देखें, बात यह है कि मुझे तो एक समझ नहीं आती कि हुकूमत एक इंसान के लिए, एक फर्दे वाहिद के लिए, और वो भी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आला अदलिया ने उसको नाहल कर दिया, उसके लिए पूरी जो है आपकी PMLN है और उसके बाद दूसरी कोलिशन पार्टीज लगी हुई है कि इसको किसी तरह दोबारा बहाल करा दिया जाए। तो ये चाहते क्या हैं, मुझे ये बताइए, क्या आपके दो अदारे बच गए हैं मुल्क के अंदर? एक है आप फौज और एक है अदलिया, और जो दुश्मन का नैरेटिव है वो यही है कि इन दो अदारों के और अवाम के दरमियान ये इतमाद है, इसको ख़त्म करें ताकि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कमज़ोर हो और उनको अपने जो अजायम है वो करने में आसानी हो, और यही हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है। ये बताइए, ये जो दुनिया को ये मैसेज आ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? आपने करप्शन किया, आप कहते हैं मुझे क्यों निकाला, आपको किसने का करप्शन किया, आपको सब पता है किस वजह से आपको की, क्यों ट्रायल हो रहा है, और आप अपने पूरे एक एक बच्चे को पता है कि आपको किस लिए आपके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, क्यों आपको नहा लिया है। वो तो बड़ा माइल्ड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, वरना तो सब चीज़ें दो जजेस का फैसला पड़े फिर इनको पता चल जाता है। अच्छा, तो क्योंकि ये मुस्तकिल कहा जा रहा है कि ये इदारों से टकराव की सियासत चल रही है, द वे नून लीग के रहनुमा आकर कहते भी हैं कि हमें भी पता है किसने कहां से हुआ और ऐसे नहीं चलेगा और वैसे नहीं चलेगा, आई डोंट वांट टू लाइक कोट अनकोट वर्ड्स, बट ये बिल पास हो जाता है, नून लीग के वो सदर अभी बन जाते हैं अंटिल द सुप्रीम कोर्ट गिव्स एनी डिसीजन वंस इट इज यू नो चैलेंज देयर। आप क्या समझते हैं, व्हाट मैसेज डज इट गो टू द रैंक्स? मैसेज ये जाना चाहता है जी, पाकिस्तान में जितने मर्दी करप्ट हों, जितने मर्दी अब कौम का खजाना और खून चूसें, और अगर आपके पास पैसा है, आप 5% इलीट में शामिल हैं, तो आपको कोई टच नहीं कर सकता। और फिर ये मैसेज दे रहे हैं अदलिया को कि आपने हमें हटाया था, अब हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से बाय हुक एंड क्रुक अपनी सोनॉरिटी मेजोरिटी की बेस पर हम वापस उसको आ गए हैं। So, चीजें खराब ज्यादा जाएंगी, बहुत ज्यादा, और ये कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। आप इस स्टेज के ऊपर, आपके ऊपर अगर इल्जाम है, आपकी नई हुकूमत बन गई है, क्या कोई इंडिस्पेंसिबल है नवाज शरीफ साहब के और कोई बन ही नहीं सकता? शायद खाकानाबाजी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन हुकूमत में पैरालिसिस है, हुकूमत का निज़ाम नहीं चल रहा, हुकूमत के वजीर ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हैं। और फिर उसके बाद आप ये मुझे बताइए कि क्या तुक है कि आप ये कि आज जिस तरीके से 40-40 गाड़ियों का एंट्रोज जा रहा है प्राइम, ये आपको नायल प्राइम मिनिस्टर को ले जाके मैसेज क्या देना चाहते हैं? आपको कोर्ट को इम्प्रेड है, आपको जो है उन पर प्रेशर डालना चाहते हैं, 50 बुजरा 50 मशीर अगर ये कोर्ट के अंदर जाएंगे, आप बताइए वहाँ पर एक जो जूनियर अकाउंटेबल कोर्ट का जज बैठा हुआ है उसके ऊपर क्या प्रेशर होगा? Okay, क्या मैसेज आएगा? ओके, सो आप ये कहते हैं कि ये एक प्रेशर है, बाय डिजाइन सब कुछ हो रहा है। अच्छा, बाय